यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व पर बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीएम योगी और नाथ संप्रदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्रा ने सीएम योगी को सनातन धर्म का विरोधी बता दिया है और उनके नाथ संप्रदाय को ब्राह्मण विरोधी कहा है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में ये विवादित टिप्पणी की है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने सनातन धर्म के विरोधी सीएम योगी को बताया, चुटिया रखने वाले ब्राह्मणों का नाथ संप्रदाय दुश्मन है, ये सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया है, यानी कि बीएसपी की तरफ से कहा गया है। तो ये हम आपको बता दें एक बार फिर, अब ये विवादित बयान सामने निकल के आया। निश्चित तौर पर 2022 का चुनाव है तो इस तरीके के बयानबाजी अब अमूमन देखने को मिलेंगे और ये बयान इस बार सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से देखने को मिला है, बीएसपी की तरफ से देखने को मिला है और सीएम योगी को सनातन धर्म का विरोधी बता दिया है, दुश्मन ब्राह्मणों का बता दिया है। यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व पर एक बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सीएम योगी और नाथ संप्रदाय को लेकर ये विवादित बयान दिया है। ब्राह्मण जो है 500 हत्याएं अगर आप अपनी सरकार में ब्राह्मणों की करवा दें, 100 से ज्यादा का इनकाउंटर ब्राह्मणों की करवा दें, तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जो इस सरकार में हुआ है। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते सही। जो टीका लगाता है, जो चुटिया रखता है, जो ब्राह्मण है, उसको नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते।